गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके व्लॉग्स। सुबह के 7 बजे और अभी मैं जा रहा हूँ कुल्लू, तो ये लगाया मैंने यहाँ पे कैमरा, इससे रिकॉर्डिंग करेंगे। थोड़ा अंधेरा है ज़्यादा, तो चलो फिर चलते हैं। तो अभी मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, कंपनी की वर्किंग है, ऐसे ही चलता है काम, तो इसी में फंसे हुए थे, तो रिकॉर्डिंग अभी कर नहीं पा रहे थे बड़े टाइम से। तो चलिए फिर स्टार्ट करें अपनी जर्नी को। अराउंड 25 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और 500 का पेट्रोल डलाया था मैंने, 133 किलोमीटर और चलेगी, 70 तक चलती है ये। सामने 7 बजे का नज़ारा आप देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते जर्नी और मिलते हैं आपको इस जर्नी के अंदर। सुबह का नज़ारा देख सकते हैं आप, ये सुंदरनगर ही है, लग रहा होगा आपको चंडीगढ़ है, बट ये 4 लेन हाईवे बन रहा है, यहाँ पे पूरी तरह से तैयार नहीं है। ये धनोटू से आगे का एरिया सुंदरनगर के, सुंदरनगर से कुल्लू के रोड पे। ये नेर चौक आ गया है और नेर चौक में बहुत ही ज़्यादा धुंध हो गई स्टार्ट, पीछे बिल्कुल साफ था। हमने 4 लेन में मुड़ना है, ये
बल वैली स्टार्ट हो जाती है, तो बल वैली में ऐसी ही धुंध रहती है बहुत ज़्यादा, देखिए बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गाइस अभी मैं पहुंच गया हूं गुटकर, देख सकते हैं आप, और यहां पे बहुत ही ज़्यादा धुंध है, गहरी धुंध। अब गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवाएंगे। देख सकते हैं 94.8 है पेट्रोल का रेट। पेट्रोल दूसरे वाले पे जाना। लीजिए तो अब हम पेट्रोल डलवा लेते हैं। तो गाइस मंडी पहुंचने वाले हैं, देखिए आप बोर्ड पे अगर आप देख पाए धुंध आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे धुंध वैसे ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है सुबह के टाइम पे 9 बजे के आसपास मंडी के अंदर, बट इस टाइम पे धुंध है मंडी में।
दिखाई दे रहा है आपका। ये सामने बस स्टैंड है, आगे निकल गए हैं क्योंकि यहाँ पे भीड़ नहीं है। अगर आप दिन के टाइम पे आएंगे तो यहाँ पे भीड़ से बड़ा बुरा हाल होता है और आपकी हालत खस्ता हो जाती है। फिक्स किया हुआ है तो वहाँ पे एंगल नहीं कर पा रहा है। ज़्यादा बुरा हाल है इस रोड का कि कोई भी यहाँ पे आना ही नहीं चाहता इस रास्ते से। दूसरा एक और रास्ता है बट वहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा लगता है, बाइक से जाते तो बेस्ट रास्ता है बट गाड़ी की इतनी खड़ी चढ़ाई पे चढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए हालत सड़क की कैसे हम उछल रहे हैं पूरी तरह से, करते हुए ये पूरे पंडवों तक का ऐसा हाल है। बीच में थोड़ी सी सड़क आ जाती है और फिर थोड़ी देर बाद खड़खड़ खड़खड़ होने लग जाती है। ये देखिए पहाड़ इन्होंने कैसे काटा है, कैसे बड़े बड़े गड्ढे लगा रखे हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हमने तो कभी नहीं देखे।
या आपने देखी है कमेंट करके बताइए। और ये रास्ता ऐसा ही है, टूटा ही रहेगा आगे तक, तो मैं आपको आगे चल के मिलता हूँ। गाइस तो अभी मैं पंडोर क्रॉस कर रहा हूँ, पंडोर क्रॉस कर दिया है और अभी हुआ है 8:18, मतलब 1.5 घंटा यहीं पे लग गया सारा। मेरे को अराउंड 9:30 तक पहुंचना है कुल्लू में। नज़ारे चलते ही रहेंगे, हम अपने राह पे चलते रहो। नीला आसमान और ये हसी नज़ारे हैं। नीला आसमान और ये हसी वादियाँ, हम चले कुल्लू दे। सड़क थोड़ी सी यहाँ पे तैयार हो गई है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल होता था। अब इसके बाद हनोगी आता है, हनोगी माता का टेंपल, उसके बाद फिर आपका सुरंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आपका थोड़ा सा आगे कुल्लू रह जाता है, आधे घंटे का रास्ता रह जाता है।
रोशनी और छोटी सी चू चू की आवाज। कैसे अच्छी सी धूप खिली है और नीचे धूप का नामो निशान नहीं है। तो जैसे मैं मनाली जाता हूँ तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप होती है। आज मैं मनाली नहीं जा रहा हूँ, ओनली कुल्लू वर्किंग है मेरी। तो अभी 8:44 पे भी धूप नहीं निकली, नीचे 47 हो गए हैं, 44 से 47 हो गए। इसके बाद अब बस भुंतर आएगा और भुंतर के बाद कुल्लू आ जाएगा। इसी रास्ते में थोड़े से आगे जाम भी लगते हैं, बहुत ज़्यादा आते टाइम ज़्यादा लगते हैं क्योंकि थोड़ा दोपहर का टाइम हो जाता है। वो एक बजे के आसपास हम जैसे निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपके जाम लगते हैं। भुंतर पहुंच गए हैं, 8:59 हुआ है। भुंतर एंट्री हो गई है तो हमारी 8:59 है। साफ मौसम,
बिकॉज ये भुंतर तो नहीं आया था, अभी बजोदा पहुँचे हैं और बजोदा से थोड़ा सा आगे शायद भुंतर आ जाता है।
सामने मारुति की गाड़ी दिख रही है, उसके पीछे ट्रैक्टर है। यहाँ पे साइड में आपके फ्रूट शॉप्स हैं, यहाँ से आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो राइट में आपका चला गया रास्ता मनीकरण वाला, और ये लेफ्ट में मैं मुड़ा हूँ जो ये कुल्लू का रास्ता जा रहा है। उसके बाद छोटी मोटी जगह आती है, जैसे शमशी हो गया, ऐसी एक दो जगह आती है। सो गाइस, मैं अराउंड 9:20 पे यहाँ पे पहुँच गया हूँ शमशी में। तो अच्छा रहा सफ़र, थोड़ी सी सड़कें भी इम्प्रूव हो गई है और मज़ा आया। मतलब रोड ट्रिप में, नहीं तो पहले तो हालत ख़राब हो जाती थी गाड़ी की बिल्कुल ही। अभी तो ठीक है एकदम, मतलब थोड़ी धूल वगैरह थी वो तो चलो रहती है। तो यहीं पे व्लॉग को देखते हैं, एंड कर देते हैं, या अगर मेरे को टाइम मिला तो थोड़ा बहुत मैं और कंटेंट ऐड करूँगा, जैसे खाना वगैरह कहाँ अच्छा मिलता है ऐसे वगैरह, अगर मेरे को टाइम मिल पाया तो ये चीज़ें भी लाते हैं। तो इसी ब्लॉग को भी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, और टाइम मिला तो और करते हैं।